बारे में सोचते हैं, आप दुनिया को वही रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट लग रही होगी तो ऐसा नहीं है, ये ओशन बहुत नर्वस ओशन है। जब वो अकेली होती है बहुत सारी चीजों को, अपने अंदर के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, लेकिन फिर एक ब्रेव फेस लेती है, एक कॉन्फिडेंस फेस लेके वो आपके सामने आती है। और हर दिन को ऐसे ही स्ट्रगल हम करते आए हैं और करती रहेंगे आगे। सो द माई पॉइंट इज, जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप वही रिफ्लेक्ट करेंगे और वो चीज़ आपके एग्जाम में दिखेगा और आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एम फॉर द मून यू माइट लैंड अप ऑन द स्टार्स। तो ये वाली बात है। सेकेंडली, वाई एच एस राइट, और वाई सबॉर्डिनेट अलाइट कर रही है। समटाइम्स आई पोस्ट वेरी सैड स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं जानती हूँ आप में से जो लोग जुड़े हैं उनको समझ आ गया आज मैम डाउन फील कर रही है। दैट इज मी। I try to remain positive, I try to remain honest, transparent, और आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दिखावा जो है ना वो बहुत साल तक चलता नहीं है। ओशन आज जो 24 में है, 2024 में, 2028, 30 में भी अगर ऐसी ही रहती है तो तुम सोच लेना कि हाँ मैडम ऐसी ही है, क्योंकि ये नकाब पहन के मुझे नहीं पता हम किसको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को ही झूठा साबित करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों का जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, मेरा क्या रूटीन रहता था। मैंने जब इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचा, मैं आपको बताती हूँ, वो दिन मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में बेड़ा गर्क कर दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं, आई वॉज अ स्टूडियस पर्सन, अच्छी थी मैं पढ़ने में, मैं घंटों बैठ के पढ़ सकती हूँ। मुझे लगता है अच्छे स्टूडेंट की यही सबसे खास बात होती है कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, आप आराम से कितनी देर बैठ सकते हैं। तो और वो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं भरमौर से बिलोंग करती हूँ और वहाँ चंबा के राजा के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उसमें काफ़ी आशिकी दिख रही थी कि चंबा के राजा ने ये कर दिया वो कर दिया। तो उस चीज़ से मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया कि यार राजा भी ऐसे थे और ये हिस्ट्री हिमाचल के एग्जाम में पूछी जाएगी, सो वाई नॉट टू स्टडी इट। आई रिमेम्बर कांगड़ा में सप्पड़ बोलते हैं ना पत्थर को, जिसके ऊपर धूप सेकते हैं बैठते हैं, तो वही रैत में एक सप्पड़ था और रैत में उस सप्पड़ पे बैठ के मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की। एंड मैंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ ली, क्योंकि वो मुझे बहुत रोमांचक लगी। सेकेंड मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो क्लिक किया मेरे केस में कि मेरी रुचि भी है इन चीज़ों में। तो आप लोग भी, आई एम अज्यूमिंग आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों की रुचि किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर होगी। थोड़ी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी को हो सकता है ज्योग्राफी अच्छा लगता हो, किसी को पॉलिटी अच्छा लगता हो, किसी को हिस्ट्री अच्छा। हिस्ट्री किसको अच्छा लगता है, रेज योर हैंड्स। डिड ना, तो इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है इस नौकरी की, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ कितनी है बट नहीं है इतनी। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्विसेज है, इसको तुम सोशल सर्विस भी मान सकते हो। इसमें आपको गुजारा जरूर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। आज आप यहाँ बैठे हैं, आप स्टेट सर्विसेज में हैं, और अगर आप किसी से मदद भी मांगते हैं, दिल्ली में बैठे हुए इंसान को आप अपना पोर्टफोलियो बताते हैं तो वो नमस्ते करते हैं। दिस इज वॉट वी आर बेसिकली फाइटिंग फॉर एंड स्ट्रगलिंग फॉर, एंड इट इज जस्ट नॉट नमस्ते, तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ कहीं ना कहीं सॉर्टेड हो जाती है। मेरे ब्रदर भी कहीं जाता है तो वो बता देता है सिस्टर ये है, उसको सहूलियत हो जाती है। तो सरकारी नौकरियां इस सहूलियत, एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग लाइफ इजी फॉर योरसेल्फ एंड मोर फॉर योर फैमिली। तो मोटिवेशन का यही है, मैं